अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए 5 सदियों का संघर्ष अब सार्थक हो गया है, किंतु इस राम मंदिर की नींव में कई कहानियां दबी हैं। समर्पण, त्याग, बलिदान और सामाजिक चेतना के उद्घोष की अनकही कहानियां, इनकी आधारशिला ये कहानियां हैं। अयोध्या में, भारत में या कहें पूरी दुनिया में राम मंदिर की बात जब जब चलेगी, कल्याण सिंह जी के जिक्र के बिना वो बात पूरी नहीं होगी। 6 दिसंबर 1992 को राम सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाने वाले तब के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से एकदम भिन्न बाबरी ध्वंस के बाद कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। इस मामले में उन्होंने स्पष्ट कहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने पुलिस को राम भक्तों पर गोली नहीं चलाने का आदेश दिया था, इसके कारण बाबरी ढांचा गिरा, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में अतरौली में जन्मे कल्याण सिंह जी 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे, पहली बार 1991 और दूसरी बार 1997 में। बाद में वह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। बाबरी ध्वंस से पहले अयोध्या आंदोलन से जुड़े साधु संतों में कल्याण सिंह जी बड़े लोकप्रिय थे और लोगों को उनसे बड़ी अपेक्षा भी थी, क्योंकि जो भावनाएं कल्याण सिंह जी की थी वही भावना समाज की थी। अपेक्षा कैसी थी, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अयोध्या जाकर मंत्रिमंडल के साथ राम मंदिर बनाने की शपथ ले ली थी। सुबह 7 बजे लखनऊ से चले कल्याण जी को अयोध्या पहुंचने में 5 बज गए। रास्ते भर लोग उनके स्वागत के लिए पहले से ही जमा थे। अंततः शाम 7 बजे वो जनसभा को संबोधित कर सके। अगर कल्याण सिंह जी ने सुरक्षा बलों को गोलियां चलाने से नहीं रोका होता तो परिणाम क्या होता, अनुमान लगाना कठिन है।